तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे वन प्लस के नोड एन 200 के बारे में। तो गाइस, ये जो स्मार्टफोन है ये 15th ऑफ जून को आपको इंडिया में देखने के लिए मिल जाएगा। और मुकुल शर्मा ने इसके रिलेटेड ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने एक्सक्लूसिवली बताया कि जो वन प्लस का नोड एन 200 होगा, ये जो स्मार्टफोन है वो 15th ऑफ जून को आपको इंडिया में देखने के लिए मिल सकता है, या आपको ग्लोबल मार्केट में भी देखने के लिए मिल सकता है। तो ये जो स्मार्टफोन होगा वो एक ही दिन ग्लोबल मार्केट और इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाने वाला है। तो गाइस, मुकुल शर्मा ने एक्सक्लूसिवली बताया है, जैसा कि आप इस ट्वीट में देख सकते हो। अगर हम बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो स्मार्टफोन होगा वो थोड़ा सा अपग्रेडेड होगा। अगर आप वन प्लस के नोड एन 100 से कंपेयर करते हो, तो वन प्लस का जो नोड एन 200 होगा ये थोड़ा सा आपको अपग्रेडेड स्मार्टफोन देखने के लिए मिलेगा, ऐसा वन प्लस के जो CEO है उनका कहना है। तो गाइज, अगर हम बात करें इसकी डिटेल स्पेसिफिकेशन की, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस स्मार्टफोन में आपको 6.49 इंचेस के IPS LCD पैनल वाली डिस्प्ले मिलेगी। यहाँ पर आपको कोई भी AMOLED पैनल नहीं मिलेगा, और जो फिंगरप्रिंट सेंसर की पोजीशन होगी वो आपको इसके पावर बटन में देखने के लिए मिल जाएगी। और इसमें आपके जो रिफ्रेश रेट होंगे वो 90Hz पर मिलेंगे, जिससे आपके जो डिस्प्ले का एक्सपीरियंस होगा वो काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल जाएगा। और इसमें आपको एक लेफ्ट लाइन पंच होल वाली डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी, जैसा कि आप इसके ऑफिशियल रेंडर्स को देख सकते हो। और अगर हम बात करें इसके कैमराज की, तो इस स्मार्टफोन में आपको पिछ वाली साइड 3 कैमराज देखने के लिए मिलने वाले हैं, जहाँ पर जो मेन कैमरा सेंसर होगा वो 48 मेगापिक्सल का होगा। 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलेगा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ या मैक्रो सेंसर मिल सकता है। सेल्फी के लिए इसमें आपको 16 या 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल सकता है। ये जो स्मार्टफोन होगा वो एंड्रॉइड 11 पर रन करेगा, जिसमें आपको ऑक्सीजन OS का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम बात करें इसके प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको ये जो स्मार्टफोन है एक 5G डिवाइस मिलने वाला है, जिसमें आपको स्नैपड्रैगन का 480 वाला प्रोसेसर मिलेगा। यहाँ पर अगर 700 सीरीज वाला कोई प्रोसेसर होता तो काफ़ी अच्छी बात होती, बट यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन की 400 सीरीज वाला प्रोसेसर मिलेगा, जो स्नैपड्रैगन का 480 वाला होगा। अगर हम बात करें इसकी बैटरी की, तो इसमें आपको 5000mAh की बैटरी मिलेगी, जिसमें आपको 18W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस, इस स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो भी लीक होकर आ गई है। बताया जा रहा है कि US एंड कनाडा में इस स्मार्टफोन की जो प्राइस होगी वो आपको 18,200 के आसपास देखने के लिए मिलेगी। तो आप लेकर चलो कि इंडिया में आपको ये अंडर 20,000 रुपीज में देखने के लिए मिल सकता है। तो मोस्टली आपको 16 से लेकर 17,000 रुपए में स्मार्टफोन की प्राइस देखने के लिए मिल सकती है, जो स्टार्टिंग वेरियंट की होगी। तो गाइस, ये थी कुछ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन वन प्लस के नोट एन 200 की। तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन कैसी लगी, और ये 15th ऑफ जून को ये जो स्मार्टफोन होगा आपको ग्लोबल मार्केट और इंडियन मार्केट में देखने के लिए मिल सकता है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और साथ ही बेल को दबा दीजिए, ताकि अपन वाले अपडेट को मिस ना करें।